आज मैं इस वीडियो में इंडिया की एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जिसे हमारे देश में एक बहुत बड़ा टैबू समझा जाता है। मैं 7 सालों से अमेरिका में हूं और लगभग मेरी हर एक फीमेल फ्रेंड ने मुझसे कभी ना कभी एक क्वेश्चन जरूर पूछा होगा कि क्यों उन्हें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐसे गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं लाइक बेबी सेंड न्यूड्स और ना जाने क्या क्या। सच कहूं तो बहुत बुरा लगता है ये सुनकर, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये इंडियंस ही होते हैं। लेकिन क्या करूं, मेरे पास उनको देने के लिए कोई आंसर भी तो नहीं होता। हम वैसे तो पूरी दुनिया में अपने कल्चर की कहानी सुनाते रहते हैं कि हमारा कल्चर कितना पुराना और कितना महान है, बट क्या ये सच में ऐसा है या फिर हमने बस अपने आप को बेवकूफ बनाने का एक तरीका ढूंढ लिया है? आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी ये सोचा है? जानेंगे इस वीडियो में। आई नो आप में से कुछ लोगों को ये वीडियो काफी बुरा लग सकता है, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन ऐसा है कि अगर कबूतर अपनी आंखों को बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्ली वहां पे नहीं है। वैसे ही हमको सच को देखना सीखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया में आज भी लड़के और लड़की के रिलेशनशिप को काफी डिग्रेडेड नजरों से देखा जाता है और इवन आज भी हम कई सारे ऑनर किलिंग्स और क्राइम इससे रिलेटेड होते हुए देख सकते हैं। तो क्या रीजंस है कि इंडिया की मेल पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे लड़कियों को ऐसे मैसेजेस और भद्दे कमेंट्स करते हैं? चलिए देखते हैं। पहला रीजन तो यह है कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन का ऑलमोस्ट ना होना। सेक्स एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आई रिमेम्बर जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारे टीचर्स ने रिप्रोडक्शन चैप्टर को क्लास में डिस्कस ही नहीं करने दिया। इस चीज में इतनी शर्म क्या थी, मैं आज भी ये चीज समझ नहीं पाया। इट्स जनरल ह्यूमन एनाटॉमी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया। सेकंड रीजन है फैमिली का ओपन सपोर्ट ना होना। आज भी लड़के अपने पेरेंट्स से सेक्स रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर पाते। इवन पेरेंट्स अपने बच्चों से ये बातें करने में शर्म महसूस करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर बच्चों को स्कूल में ये चीज पढ़ाई नहीं जा रही है और उनके पेरेंट्स भी उन्हें हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो आखिर वो ये चीजों को समझेंगे कहां से? इसी कारण से बच्चे जनरली पॉर्न का रुख करते हैं। ये पॉर्न जनरली एक फेक नैरेटिव सेट करता है जो कि रियलिटी से कोसों दूर होता है, लेकिन जो उन्हें देख रहे होते हैं उनके लिए एक रियलिटी बन जाता है और इसी कारण से उनकी सारी की सारी सेक्स एजुकेशन जो होती है वो पॉर्न पे बेस्ड होती है। तीसरा पॉइंट है हमेशा से एक मेल डोमिनेटेड थिंकिंग का होना। आज मैक्सिमम लोग महिलाओं के इक्वल राइट्स को समझते हैं, लेकिन पहले हमने लगभग 50% इंडियन फैमिली में महिलाओं को इस मेल डोमिनेंस का शिकार होते देखा है। इसका एक प्राइम एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी किसी लड़की का एमएमएस या कोई भी प्राइवेट वीडियो लीक हो जाता था तो हम उसे रोकने की जगह पे उसे लाइक और शेयर कर करके वायरल कर देते थे। सोचिए अगर यही चीज आपकी बहन या माँ के साथ हुई होती तो क्या आप तब भी इस वीडियो को लीक करते और ऐसे ही वायरल करते? फॉर्चुनेटली आज ये इक्वेशन बदल रही है। इसका कारण यह है कि पहले औरतों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज उनके पास आगे बढ़ने की एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत का डेटिंग कल्चर। आप खुद सोच करके देखिए कि इंडिया में किसी भी लड़की का बॉयफ्रेंड होने पर हमेशा एक सवाल उससे पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि कैरेक्टरलेस हो तुम, तुम्हारा कोई कैरेक्टर नहीं है। हमने कई बार अपने परिवार में लोगों को बोलते सुना होगा कि उस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। इंडियन सोसाइटी में लड़के तो किसी की बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी बहन को किसी की गर्लफ्रेंड बना हुआ नहीं देख पाते। आखिर ऐसा क्यों है, पूछिएगा अपने आप से। अगर ऐसी ही मेंटालिटी रही तो हम कैसे समझेंगे फीमेल्स और सेक्स एजुकेशन के बारे में? तो ये मेरी रिसर्च के हिसाब से वो 4 मेन रीजंस हैं जिसके कारण हम इंडियन मेल्स का सोशल मीडिया पर एक घटिया कैरेक्टर देखते हैं। आज भारत के डेवलपमेंट के साथ हमें सोचना होगा कि क्या हम लड़कों को मॉरल और मेंटल लेवल पर इतना बढ़ा सकते हैं कि जिससे वो अपनी एडल्ट लाइफ को प्रॉपरली समझ पाए। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे लड़के इसके बारे में समझ पाए। आइए इंडियन मैन की मेंटालिटी को सुधारने की कोशिश करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पॉजिटिव और एक नया पर्सपेक्टिव देगा सोचने का। अगर आपने वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको एक ऐसे ही नए वीडियो में कुछ और एनालिसिस के साथ। तब तक देखते रहिए लोग क्या कहेंगे।